नेशनल ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अनुप प्रकाश भारद्वाज एडवोकेट की मीडिया से रूबरू होकर पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन कर दोषी या निर्दोष लोगों को 3-4 दिन तक हवालात में रखने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक शोचनीय पहलू है जिस पर सुधार लाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि फरियादियों के साथ सरल व्यवहार होना आवश्यक है। 2001 से मानव अधिकार के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अनुप भारद्वाज जी से अब हमारी मीडिया टीम मुलाकात कर रही है। हाँ तो बताइए भारद्वाज जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे उत्तराखंड प्रदेश में संबंधित थानों में मानव अधिकारों के संबंध में पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति के मूल अधिकारों के प्रति ये संस्था पिछले 21 वर्षों से कार्यरत है और उनको जागरूक कर रही है और उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यरत है। बड़ा दुख का विषय है कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन भी हो चुका है, लेकिन आए दिन संबंधित थानों में पुलिस की कार्यशैली किसी भी पीड़ित को अनावश्यक रूप से विधि विरुद्ध तरीके से उसको दो दो तीन तीन दिन थाने के अंदर निरुद्ध किया जाता है और मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बड़ा खेद का विषय है। पुलिस को, पुलिस महानिदेशक को हम ये मांग करते हैं कि उनको संज्ञान लेना चाहिए इस संबंध में, अन्यथा ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारीगण इस संबंध में आवश्यक बैठक बुलाकर और एक घोर आंदोलन का रूप धारण करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि लोगों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें और पुलिस अपने दायरे में मानव अधिकारों का पालन करते हुए कार्य करे, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को या दोषी व्यक्ति को भी आप FIR लॉन्च करके उसको 24 घंटे के अंदर आ संबंधित न्यायालय में पेश करें। अननेसेसरी बिना किसी स्वार्थ के संबंधित थानों में किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा न रोका जाए। इस संबंध में अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणविजय कुमार की रिपोर्ट।